तो जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कोई भी हमारी एलईडी हो, चाहे वो डिप एलईडी हो या कॉब एलईडी हो या हमारी एसएमडी एलईडी हो, एक एलईडी या एक से ज्यादा एलईडी हो, उसको हम किसी भी वोल्टेज से अगर जलाना चाहें तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो रेजिस्टेंस कितने ओम्स की होनी चाहिए और कितने वाट की होनी चाहिए, तो ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की एलईडी हैं। इनको हम सभी को 220 वोल्ट की सप्लाई में भी जला के देखेंगे और आप चाहें तो कम वोल्ट की सप्लाई में भी जला के चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी एलईडी को हमें जलाना है तो उसमें कितने ओम्स की रेजिस्टेंस लगेगी। तो हम सबसे पहले ये डिप एलईडी लेके चलते हैं। एक ये जो डिप एलईडी है, इसको हम उदाहरण के रूप में लेंगे। तो ये जो डिप एलईडी होती है, ये 2 वोल्ट ऑपरेटेड है। जो ये एलईडी है, ये रेड कलर की एलईडी है और ये 2 वोल्ट ऑपरेटेड होती है, और इसका जो मिली एम्प ये कंज्यूम करती है वो 20 मिली एम्प होता है। तो अगर इसको हमें 220 वोल्ट की सप्लाई से जलाना हो तो हम इसमें जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी ओम्स में और उसकी वॉटेज क्या होगी, ये दोनों हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ, फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। अभी हम 220 वोल्ट की सप्लाई से एक एलईडी को जलाएंगे, और एक से ज्यादा एलईडीज आपको जलानी है, 2 या 4 या 6 या 8 10, तो भी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करके आप स्वयं से ही सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। और आपको जो भी एलईडी, जितनी भी एलईडी जलानी है, उसके लिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस का वाट आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि ओम्स का जो नियम है, ओम्स लॉ, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ओम्स का नियम जो है वो होता है हमारा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपको दिमाग में रखना है सबसे पहली चीज। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज है हमारा, और यहां से हमारी इस जगह पे हमें रेजिस्टेंस लगानी है। सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगी एलईडी के साथ में, और ये हमारी एलईडी है, और ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। यहां पे हमें वोल्टेज अप्लाई करना है, ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तो ये हम रेड एलईडी मान के चलते, तो हमारी जो रेड एलईडी डिप एलईडी होती है, ये रेड एलईडी है। तो ये 2 वोल्ट इसका जो एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा 2 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो वी एल है ये हमारा 2 वोल्ट है। इसके बाद जो ये एलईडी होती है डिप एलईडी, ये 5 mm और 3 mm दो वेरिएंट में आती है, 5 mm और 3 mm। तो यहाँ पे मैंने 3 mm ली है, 3 mm भी 20 mA कंज्यूम करती है और 2 वोल्ट से चलती है, और 5 mm भी सेम वोल्टेज और सेम एम्पियर कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे जो आई एल है, आई एल मतलब कि हमारी एलईडी कितने मिली एम्पियर कंज्यूम करती है, तो यहाँ पे 20 mA कंज्यूम करती है। तो ये हमारी एलईडी के लिए हो गया वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज, और ये हमारा हो गया वो कितने मिली एम्प कंज्यूम करती है, यानी करंट वो एलईडी कितना कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पे हमें ओम्स लॉ पता है, अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि इस एलईडी को हमको 220 वोल्ट की सप्लाई में जलाना है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे मान के चलते हैं, वीएस जो है ये हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई है। अभी हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई देके जला के भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वी और आई हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हो जाएगा, वी क्या होगा, यहाँ पे वी जो होगा वो वीएस यानी सप्लाई वोल्टेज और माइनस वीएल यानी एलईडी का वोल्टेज, और ये हमारा आई जो है वी के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आई जो है वो हमारा जो ये हमारा सर्किट होगा, इस सर्किट में कितना मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो जितना हमारा एलईडी कंज्यूम करेगी उतने ही मिली एम्प करंट फ्लो होगा। तो इस फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट है, माइनस करेंगे 2 वोल्ट, डिवाइड करेंगे 20 मिली एम्प को अगर हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, तो ये 0.020 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे हम एम्पियर में रखेंगे 0.20। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा जो आ रहा है ये 218, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.02। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन है ये हमारा आ जाएगा 10,900 ओम्स। तो इसको अगर हम किलो ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10.9 किलो ओम्स हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें एलईडी को ग्लो कराने में लगानी है। तो ये तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन और आगे बढ़ाते हैं। अब हम
जो रेजिस्टेंस हमारी लगेगी एलईडी में उसका हम वाट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा वाट है रेजिस्टेंस का, वो पी आर हम मान लेते हैं, पावर ऑफ रेजिस्टेंस पी आर, तो ये हमारा हो जाएगा वी आर, यहां पे वी आर इंटू आई एल। तो ये चीज हमारी हमारी हो जाएगी वी वी आर जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, माने रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट स्टार्टिंग और इंड के पॉइंट पे वोल्टेज है, और आईएल हमारी जो एलईडी है उसका एलईडी वो हमारी कितने मिली एम्प कंज्यूम करती है वो है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा फार्मूला जो हो जाएगा, ये सप्लाई वोल्टेज माइनस ये हमारा एलईडी का वोल्टेज और इंटू आई एल, ये हमारा जो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे वोल्टेज होगा वो हमारा सप्लाई वोल्टेज माइनस एलईडी के वोल्टेज के बराबर होगा, और उसमें हम आईएल यानी एलईडी का मिली एम्प जो है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके उसका गुणा कर देंगे। तो इस फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहां पे जो वीआर है और वीआर की वैल्यू वीएस माइनस सप्लाई वोल्टेज माइनस एलईडी का वोल्टेज, तो ये हमारा 218 ही आ जाएगा, और इसमें हम गुणा कर देंगे हमारे एलईडी के मिली एम्प्स जो कंज्यूम करती है। तो ये हमारा इस तरीके से इसका कैलकुलेशन जो आएगा वो हमारा आएगा 4.36 वाट। तो जो हमें ये एलईडी डिप एलईडी हमारी 2 वोल्ट की डिप एलईडी है, तो इसको हमें 220 वोल्ट से ऑपरेट करने के लिए जो हमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी वो 10.9 किलो ओम्स की होनी चाहिए, और उसका जो वाटेज है वाट है वो 4.36 वाट होना चाहिए। तो यहां पे मैंने जो एलईडी ली हुई है इसमें मैंने वाट तो मुझे 4.36 वाट की रेजिस्टेंस नहीं मिली है, लेकिन मैंने इसमें 3 रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहां पे जो हमारी पहली रेजिस्टेंस है ये वाली, ये हमारी 15 किलो ओम्स की है, इसके बाद ये 10 किलो ओम्स की है, और ये हमारी 1 किलो ओम्स की है। तो इस तरीके से हमारी इसमें 3 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। तो हम इसको इस समय इसको हम सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट की सप्लाई में जला के देखते हैं, क्योंकि इस एलईडी में हमारी रेजिस्टेंस की जो पावर है यानी वाटेज है वो 4.36 होनी चाहिए, जबकि ये 1/8 वाट की है रेजिस्टेंस, जो 1 वाट का 8वां हिस्सा उसके बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस हमारी चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी वाटेज यानी पावर क्षमता कम है। तो ये एलईडी हमारी अगर हम जलाएंगे तो एलईडी तो हमारी जलेगी, लेकिन हमारी ये रेजिस्टेंस जो है ये बर्न हो जाएगी। फिर भी हम इसको चेक करने के लिए आपको दिखा देते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई में हम इस एलईडी को जला सकते हैं, और रिएक्शन उसका होगा ये कि अगर हम सही वाट नहीं लेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बर्न हो जाएगी। तो चलिए इसको चेक करके मैं आपको दिखाता हूं, फिर इसके बाद एसएमडी वाली भी हम एलईडी चेक करेंगे। तो यहां पे मैंने इसको पावर सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई मैं इसको दे रहा हूं, ये हमारा सीरीज है, और इस एलईडी में हम सप्लाई वोल्टेज देंगे। आप देखेंगे कि यहां पे मैंने 3 इसमें रेजिस्टेंस लगाई हुई है, जिसमें ये सेंटर वाली रेजिस्टेंस है जो ये 10 किलो ओम्स की है, और ये हमारी 15 किलो ओम्स की है। तो दोनों में हम सप्लाई देके देखेंगे, पहले सेंटर वाली पे देके देखते हैं। तो यहां पे देंगे तो ये हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये हमारा एलईडी बर्न हो जाएगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो 1/8 वाट की है, जबकि हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी 4.36 वाट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस स्मोक दे रही है, धुआं दे रही है, जैसे ही हम इसको देर तक अगर लगाते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस आपके सामने देखा आपने स्मोक दे रही। इसी तरह से साइड में 15 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हमारी लगी है, उससे हम इसको ड्राइव करके देखते हैं तो एलईडी जलेगी, लेकिन एलईडी ना तो पीक ग्लो देगी, और दूसरी चीज हमारी जो रेजिस्टेंस हम यूज किया है रेजिस्टेंस हमने वो क्योंकि लो वाट की है तो हमारी रेजिस्टेंस बर्न हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बर्न हो गई है। और इस तरीके से अगर हम इसकी जगह पे 4.36 वाट की अगर हम रेजिस्टेंस लेते तो हमारी ये एलईडी प्रॉपरली ग्लो करती 220 वोल्ट्स में। तो चलिए अब हम इस एसएमडी एलईडी जो हमारी एलईडी बल्ब की एसएमडी एलईडी है इसको भी हम ग्लो करके देखते हैं। तो यहां पे भी हमने इसमें रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये 1K की है और इसकी 15K की है। तो इसके लिए भी हम कैलकुलेशन अगर निकालें तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो एसएमडी एलईडी है वो 9 वोल्ट और 100 मिली एम्प की होती है। तो 9 वोल्ट और 100 मिली एम्प, इसमें एलईडीज की संख्या जो है वो 4 और 4 8 8 एलईडीज लगी हैं, मतलब ये 72 वोल्ट पे ऑपरेटेड होंगी ये सारी एलईडीज जो कि सीरीज में है। इसके बाद अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो 220 से 72 माइनस करेंगे, अगर हम 220 वोल्ट से इसको चलाएंगे तो 72 माइनस करेंगे तो ये आएगा 148, और चूंकि ये 100 मिली एम्प की है इसलिए 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 1480 ओम्स रेजिस्टेंस जो लगेगी इसमें उसकी वैल्यू आएगी, यानी
1.48 किलो ओम्स यानी लगभग 1.5 किलो ओम्स मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगेगी उसकी वाटेज क्या होगी, तो जो वाटेज है वो हमारी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, और उसमें हमें इस एलईडी का जो हमारा पावर कंज्यूम करेगी, ये एलईडी मिली एम्प कंज्यूम करेगी, वो मिली एम्प है 100 मिली एम्प। तो इसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे तो जो हमारा डिफरेंस आया 220 माइनस 72, तो 148 और इंटू 100 मिली एम्प यानी 0.1 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर का गुणा करेंगे 148 में, तो ये हमारा 14.8 वाट आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो रेजिस्टेंस लगेगी वो 14.8 वाट की लगेगी। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको भी मैं आपको जला के दिखा देता हूं। इसमें भी रेजिस्टेंस जो मैंने लगाई है ये रेजिस्टेंस हमारी 1 वाट की है, जबकि इसमें 14.8 वाट की रेजिस्टेंस लगानी चाहिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी डायरेक्ट सप्लाई में जलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जल रही है, लेकिन यहां पे भी हमारी रेजिस्टेंस जो है स्मोक देने लगी, क्योंकि इसमें हमको प्रॉपर रेजिस्टेंस के वाट हमने नहीं यूज किया, हमने 1 वाट की रेजिस्टेंस यूज किया है, इसकी जगह पे हमें 14.8 वाट की रेजिस्टेंस यूज करनी चाहिए। फार्मूला सेम है, इस फार्मूले को आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आप किसी भी एलईडी को अपनी मेन सप्लाई 220 वोल्ट या 12 वोल्ट या 14 वोल्ट किसी भी वोल्टेज से ऑपरेट कर सकते हैं। इस पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा अभी, हालांकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।